हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। सो गाइज, आज बनाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो कैसे घर में बना के रखते हैं इसको, हफ्ते दो हफ्ते के लिए बहुत ही बढ़िया सा आप इसको बना के रख सकते हैं। तो चलिए गाइज, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लहसुन को आसानी से कैसे हम उसको उसका जो है छिलका हटाएं, तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप लहसुन को छीलिए तो इस तरह से पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दीजिए। अगर 15 से 20 मिनट के लिए आप ऐसे डिप करके रखेंगे तो बहुत ही आसानी से उसके जो छिलके होते हैं ना, ये बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं और फिर ये छीलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। गाइस, बस इस तरह से इसको पानी में भिगो दीजिए और बस इस तरह से आराम से ये निकल जाएंगे और आप इसको छील सकते हो, इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे पेस्ट बनाना है हमने, और इसको वीक एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए हमने कैसे रखना है स्टोर करके, और आसानी से हमने कैसे उसको यूज़ करना है। फिर हमने यहाँ पे 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम अदरक, तो दोनों को हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके छील के इनको ऐसे पीसेज में कर लिए हैं अदरक को, और ये लहसुन को भी अलग से ग्लोव्स के कारण सारे कलियों को अलग कर लिया है। तो इनको धो लेना है और एक स्ट्रेनर में रख देना है, जिससे इसका पानी बिल्कुल से निकल जाए। गाइस, यहाँ पे देखिए, हमने एक जार लिया है, अपना मिक्सर जार बड़ा वाला लिया है और मसाले वाला छोटा नहीं लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी धुली और सूखी हुई साफ़ सुथरी जो अदरक है इसको इसमें डाल देने, पीस करे हुए हैं हमारे, इनको हमने छोटे टुकड़ों में पीस कर लेने हैं, स्लाइस बना लेना है, तो अच्छी तरह से आसानी से बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा। अब साथ ही हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो लहसुन है इसको भी डाल देना है, हमने ब्लेंड करना है और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। गाइस, यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से दोनों जो अदरक लहसुन है मिक्स हो गए, क्रश हो गए हैं। बढ़िया फाइन पेस्ट बनाना है अगर हमें जिंजर गार्लिक का, तो अब हम अपना ये मसाले वाला जो है ग्राइंडर जार, अब उसमें इसको डाल देंगे। अगर ज़्यादा है तो हम इसको दो बार में बढ़िया सा बनाएंगे पेस्ट, इससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मिक्सी हमारी चलेगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है जब भी इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले रखा है हाफ कप के अंदाज से ऑयल लिया है, तो अभी हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं, आधा, और आधा बचा लेंगे, अभी जब दूसरे राउंड में बनाएंगे ना पेस्ट तब डाल देंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है जब भी इसका पेस्ट बनाना है। अब इसको हमने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। गाइस, ये देखिए हमारा जो ये पेस्ट है, बढ़िया सा फाइन पेस्ट देखिए बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने एक साफ़ सुथरी बॉटल है इसको अच्छे से स्टरलाइज कर लिया है, पानी से धो के गर्म पानी से सुखा लिया है। तो अब हमने इसमें डाल देना है इसको जो पेस्ट बनाया हुआ है, इसी तरह से हमने दोबारा जो बचे हुए हैं हमारे पास जिंजर गार्लिक उसको भी पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड में भी तैयार हो गया। तो ये ऑयल डालने की वजह से ये खराब नहीं होता है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी रहती है और कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी हो गया है, बस अब इसको रखते हैं फ्रिज में और जब यूज़ करना होगा निकाल लेंगे।